हेलो फ्रेंड, मेरा नाम देवबिंद और आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक देव में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में जानेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर के कुछ 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम फंड साइज कितनी होती है? पहला यहाँ पर दिया है 32,737, दूसरा 999.9, तीसरा 1,330, चौथा 888। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम फंड साइज होती है 999.9। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। लिब्रे ऑफिस राइटर में टॉगल नंबर्ड लिस्ट का शॉर्टकट क्या है? पहला यहाँ पे दिया है F12, दूसरा F7, तीसरा F3, चौथा F9। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टॉगल नंबर लिस्ट के लिए आप अपने कीबोर्ड से F12 प्रेस करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। लिब्रे ऑफिस राइटर में नेविगेटर ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है? पहला यहाँ पे दिया है स्टाइलिश मेनू, दूसरा फॉर्म मेनू, तीसरा व्यू मेनू और चौथा यहाँ पे दिया है फॉर्मेट मेनू। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में नेविगेटर ऑप्शन आपको व्यू मेनू में मिलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट क्या है? पहला यहाँ पे दिया है Ctrl+Shift+P, दूसरा Shift+P, तीसरा Ctrl+बराबर, चौथा Ctrl+Shift+बराबर। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट है Ctrl+Shift+P। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। लिब्रे ऑफिस राइटर में सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट क्या है? यहाँ पे पहला दिया है Ctrl+बराबर, दूसरा Ctrl+Shift+B, तीसरा Ctrl+Shift+D और यहाँ पे दिया चौथा Ctrl+Shift+Y। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट है Ctrl+Shift+B। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम कितने कॉलम ले सकते हैं? पहला यहाँ पे दिया है 32,784, दूसरा 3,728, तीसरा 3,545, चौथा 8,192। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में हम मैक्सिमम कॉलम 8,192 ले सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज के कितने स्टेप्स होते हैं? पहला यहाँ पे दिया है 6 स्टेप, दूसरा 5 स्टेप, तीसरा 9 स्टेप एंड चौथा 12 स्टेप। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज के 5 स्टेप होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने मैक्सिमम रो इंसर्ट कर सकते हैं? यहाँ पे पहला दिया है 3,193, दूसरा 8,192, तीसरा 7,375, चौथा 2,546। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में हम मैक्सिमम रो 8,192 इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में कॉलम और रो दोनों बराबर यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम जूमिंग कितनी होती है? पहला यहाँ पे दिया है 400%, दूसरा यहाँ पे दिया है 900%, इसके बाद तीसरा यहाँ पे दिया है 600% और यहाँ पे चौथा है 500%। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम जूमिंग 600% होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। लिब्रे ऑफिस राइटर में ग्रुप बॉक्स किस मेनू में पाया जाता है? पहला यहाँ पे दिया है स्टाइलिश मेनू, दूसरा यहाँ पे दिया है टूल्स मेनू, इसके बाद यहाँ पे तीसरा दिया है फॉर्म मेनू और यहाँ पे लास्ट में दिया है चौथा इंसर्ट मेनू। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में ग्रुप बॉक्स
ऑप्शन होम मेनू में दिखता है। ओके क्वेश्चन नंबर 11, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग किस मेनू में पाया जाता है? पहला यहाँ पे दिया है फॉर्मेट मेनू, दूसरा यहाँ पे दिया है स्टाइलिश मेनू, तीसरा यहाँ पे दिया है फॉर्म मेनू, और यहाँ पे चौथा दिया है एडिट मेनू। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग हमें स्टाइलिश मेनू के अंदर मिलता है। ओके क्वेश्चन नंबर 12, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट क्या है? पहला यहाँ पे दिया है Ctrl+F2, दूसरा यहाँ पे दिया है Ctrl+Shift+P, तीसरा यहाँ पे दिया है Shift+F5, चौथा यहाँ पे दिया है Ctrl+Shift+O। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट Ctrl+Shift+O है। क्वेश्चन नंबर 13, लिब्रे ऑफिस राइटर में वाटरमार्क ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है? तो पहला यहाँ पे दिया है फॉर्मेट मेनू, दूसरा यहाँ पे दिया है फॉर्म मेनू, तीसरा यहाँ पे दिया है स्टाइलिश मेनू, और यहाँ पे चौथा दिया है व्यू मेनू। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में वाटरमार्क ऑप्शन हमें फॉर्मेट मेनू में मिलेगा। ओके क्वेश्चन नंबर 14, लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन का शॉर्टकट क्या है? पहला यहाँ पे दिया है Ctrl+Shift+D, दूसरा यहाँ पे दिया है Ctrl+D, तीसरा यहाँ पे दिया है Ctrl+Shift+U, और चौथा यहाँ पे दिया है Ctrl+Alt+U। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन का शॉर्टकट यहाँ पे होता है Ctrl+D। क्वेश्चन नंबर 15, लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने अलाइनमेंट होते हैं? पहला यहाँ पे दिया है 5 अलाइनमेंट, दूसरा 3 अलाइनमेंट, तीसरा 2 अलाइनमेंट, चौथा 4 अलाइनमेंट। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में 4 अलाइनमेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट्स का शॉर्टकट क्या है? Ctrl+Alt+F5 फर्स्ट, सेकेंड Ctrl+F10, थर्ड Shift+F12, और यहाँ पे दिया है फोर्थ में नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट्स का शॉर्टकट है Shift+F12। ओके क्वेश्चन नंबर 17, लिब्रे ऑफिस राइटर में इंसर्ट टेबल का शॉर्टकट क्या है? पहला यहाँ पे दिया है Shift+F7, दूसरा यहाँ पे दिया है Ctrl+Alt+T, तीसरा यहाँ पे दिया है Ctrl+Shift+I, चौथा यहाँ पे दिया है Ctrl+F12। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में इंसर्ट टेबल के लिए हम यूज करते हैं Ctrl+F12 बटन। क्वेश्चन नंबर 18, लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट का शॉर्टकट क्या है? पहला यहाँ पे दिया है Ctrl+Shift+M, दूसरा यहाँ पे दिया है Ctrl+Alt+C, तीसरा यहाँ पे दिया है Ctrl+F3, और चौथा यहाँ पे दिया है Shift+M। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट का शॉर्टकट Ctrl+Alt+C है। ओके क्वेश्चन नंबर 19, लिब्रे ऑफिस राइटर में फार्मूला ऑप्शन का शॉर्टकट क्या है? पहला यहाँ पे दिया है Ctrl+Shift+F, दूसरा यहाँ पे दिया है F2, तीसरा यहाँ पे दिया है Shift+F, चौथा यहाँ पे दिया है Alt+F5। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में फार्मूले ऑप्शन का शॉर्टकट F2 होता है। क्वेश्चन नंबर 20, लिब्रे ऑफिस राइटर में हम ड्रॉप कैप्स कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के लगा सकते हैं? ओके यहाँ पे पहला दिया है 3 कैरेक्टर्स, दूसरा यहाँ पे दिया है 9 कैरेक्टर्स, इसके बाद यहाँ पे दिया है तीसरा 1 कैरेक्टर्स, और चौथा यहाँ पे दिया है 5 कैरेक्टर्स। तो हम लिब्रे ऑफिस राइटर में ड्रॉप कैप
ड्रॉप कैप नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 9 लगा सकते हैं, ओके आप 9 से ज़्यादा नहीं लगा सकते। क्वेश्चन नंबर 21, लिब्रे ऑफिस राइटर में हम ड्रॉप कैप्स मैक्सिमम कितने लाइंस के लगा सकते हैं या कितने लाइंस में लगा सकते हैं। पहला यहाँ पे दिया है 3 लाइंस, दूसरा 9 लाइंस, तीसरा 1 लाइंस, चौथा 5 लाइंस। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में हम ड्रॉप कैप मैक्सिमम 9 लाइंस में लगा सकते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 22, लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने टैब होते हैं। पहला यहाँ पे दिया है 3 टैब, दूसरा यहाँ पे दिया है 4 टैब, तीसरा यहाँ पे दिया है 2 टैब और चौथा यहाँ पे दिया है 5 टैब। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में हमें 4 टैब मिलती हैं, ठीक है, तो इसका यहाँ पे आंसर होगा 4 टैब। क्वेश्चन नंबर 23, लिब्रे ऑफिस राइटर में एग्जिट का शॉर्टकट क्या है। पहला यहाँ पे दिया है कंट्रोल प्लस क्यू, दूसरा यहाँ पे दिया है कंट्रोल प्लस डब्लू, तीसरा यहाँ पे दिया है कंट्रोल प्लस F4 और चौथा यहाँ पे दिया है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में एग्जिट का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस क्यू। क्वेश्चन नंबर 24, लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज का शॉर्टकट क्या है। पहला यहाँ पे दिया है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस यस, दूसरा यहाँ पे दिया है F12, तीसरा कंट्रोल प्लस F12, चौथा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यस। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यस। क्वेश्चन नंबर 25, लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन क्या है। पहला यहाँ पे दिया है .rtf, दूसरा .odf, तीसरा .tfr, चौथा .dof। तो लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन है .odf। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में दिए गए बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।